भारतीय संस्कृति का नया वर्ष आज था। इस अवसर पर शीतला माता धाम मंदिर में मुझे जाने का अवसर मिला। भारतीय संस्कृति सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी है। दुनिया की बड़ी बड़ी कौम खत्म हो गई, वहीं भारतीय संस्कृति सभ्यता जीवित है। अपनी पहचान को बहुत ही जोरों से उजागर करना होगा, प्रचार प्रसार करना होगा। जिससे अपनी पहचान नहीं है उसकी दुनिया में इज्जत नहीं है। हमें पश्चिमी रूपी सभ्यता को त्यागना चाहिए। भारतीय संस्कृति में जीवन बहुत ही आनंदित है, जीवन को शकुन मिलता है। भारतीय संस्कार, रहन सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, शादी विवाह सब अपनी परंपरा में। इसे भारत देश का नाम बड़े प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। हम सबका कर्तव्य भारत की पहचान को बढ़ाने में शौक है। आज की तारीख में नवरात्रि का पहला दिन है, ईश्वर हाँ आज से नए साल के आज से शुरुआत होती है। यही हम भारतीय संस्कृति की सभ्यता की पहचान है। भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं, बड़ी मान्यता है यहाँ पे, मुरादे मन्नतें पूरी होती है। धर्म इसलिए बनाया गया था कि जीव इंसान के जीवन को जो है भाईचारी अमन शांति से सभी जीवन सबका आनंदित हो, धर्म इसलिए बनाया गया था। और भारत का संस्कृति सभ्यता बहुत पुरानी, दुनिया की सबसे पुरानी है, 3600 साल से उससे भी ज्यादा पुरानी है। अरस्तु, सुकरात, बुकरात, ये इतनी बड़ी बड़ी पुरानी सभ्यताएं सब दुनिया से विलुप्त हो गई, बड़ी बड़ी संतलें विलुप्त हो गई, लेकिन भारतीय संस्कार और भारतीय सभ्यता भी अभी आ जाए। पश्चिमी और यूरोपीय सभ्यता बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है, ये खत्म होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विचार है कि भारत की जो संस्कृति सभ्यता वो पूरे देश में पूरी तरीके से लागू, क्योंकि यहाँ पे जैसे प्रकृति का जो नियम है, जो यहाँ पे खजाना है, प्रकृति जो चीजें हैं वो चीजें फिर लौट के आए। इसे भारतीय संस्कृति से पूरा जीवन आनंदित है। पश्चिमी सभ्यता से शुगर, डायबिटीज, थायराइड, ये बहुत ज्यादा बीमारी हो गई। जीवन किसी को 1 करोड़ रुपया, अरबों रुपया, उसको भी जीवन में आनंद नहीं है। लेकिन भारतीय संस्कृति सभ्यता में अगर गरीब आदमी है तो भी उसका जीवन बहुत आनंद जीवन में है। क्या 24 घंटा है, सूरज, पानी, हवा सबको मिल रहा है, तो इसलिए भारतीय संस्कृति में सबका जीवन आनंदित है। यहाँ पे बहुत ही भव्य कार्यक्रम हो रहा है, सभी सभी की मनोकामनाएं पूरी हो रही है, सभी अपने धर्म के अनुसार जो एकदम लीन है, अब सब मगन है, अब सब जय जयकारा लगा रहे थे। मतलब सीता धाम जो है यहाँ पे हर मंत्री जी आते हैं, और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसको और जो सुंदरीकरण में और जो इनमें सहयोग करें, क्योंकि उनका यहाँ का सहयोग होगा तो पूरे जनमानस का सहयोग होगा, भारतीय संस्कृति सभ्यता का भी सहयोग होगा। मैं सभी से ये संदेश दूंगा, पश्चिमी यूरोपीय सभ्यता को छोड़ें, शिक्षा और स्वास्थ्य और रहन सहन ये सब विदेशी और गैरों का सब छोड़ें, जो अपनी जो पहचान है तभी हमारी दुनिया में इज्जत हो सकती है। हम अपनी अगर पहचानेंगे नहीं तो हमारे हमको कोई पहचानने वाला नहीं।